गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। तो कैसे हो दोस्तों आप सब, बताना ज़रूर। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एक, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, वोटिंग डाली थी कि आप लोग मुझे ये बताइए कि विंटर सीजन में बालों से जुड़ी परेशानी आपको कौन सी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने उसमें तीन ऑप्शन दिए थे, एक तो हेयर फॉल और हेयर लॉस, दूसरा दिया था ड्राई फ्रिजी हेयर और तीसरा था डैंड्रफ और इची स्कैल्प। ज़्यादातर तो ये तीनों परेशानी आप में से सबको होती ही रहती होंगी विंटर सीजन में, मगर सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली हेयर फॉल और हेयर लॉस को। इसका मतलब ये है बालों का झड़ना, बालों का गिरना बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है विंटर सीजन में, मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने वोटिंग की थी। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक खास और रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ कि बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का टूटना आप कैसे रोकें। बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने बालों पर, क्योंकि बाल जो होते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये गिरने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब इसका एहसास होता है कि नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आज हमारे बाल भी बचे रहते, खूबसूरत होते। तो आज मैं आपको इतना ईजी, इतना आसान एक तरीका बताने वाली हूँ जो कोई भी कर सकता है, और इस मेथड को बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, किसी भी उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपको नेचुरल चीज़ें यूज़ करने की सलाह देती हूँ, खुद भी यूज़ करती हूँ, तो नेचुरल चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं देती, फ़ायदा देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बताऊँगी, जो कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप हर साल विंटर सीजन में देखते हो, खाते भी हो उसको, मगर पता नहीं है उसको बालों पे भी यूज़ किया जा सकता है। खाना तो ज़रूरी है ही, मगर उसको अगर आप अपने बालों पे यूज़ करोगे, जैसे मैं आपको भी बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो आसान सी चीज़ क्या है, वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको यूज़ करने से बालों का गिरना, बालों का टूटना रुक सकता है, और इसके साथ साथ वो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और बालों में चमक देता है, डैंड्रफ दूर करता है। तो एक इंग्रेडिएंट से सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सही से यूज़ करोगे और देखोगे कैसे यूज़ करना है। तो आइए बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको भी बालों से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, बालों का रखना है आपको खास ध्यान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस खास और एक इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही हूँ, वो है ये इंग्रेडिएंट जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ये है मेथी, मेथी के पत्ते, जो कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होगी बहुत लोगों को, और कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं होगी, मगर इसको खाना चाहिए, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आपको यूज़ करना है मेथी के पत्तों को। मेथी के पत्तों को कैसे यूज़ करना है वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ ये आपके बालों का झड़ना, हेयर फॉल कैसे रोकती है, कैसे मदद करती है बालों का झड़ना रोकने में। दोस्तों मेथी में पाया जाता है निकोटेनिक नाम का एक एसिड, जो कि हमारे बालों का गिरना रोकने में मदद करता है। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, साथ ही बालों का झड़ना रोकने के लिए। और भी इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं बालों पर। इसमें जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं। तो मेथी खाने के साथ साथ लगा के देखिए, आपको पहली बार में ही इसका फायदा नजर आएगा। तो आपको इसको कैसे यूज करना है, बहुत ही आसान तरीका है, सबसे ज्यादा आसान सिंपल तरीका ये है। मुश्किल से मेथी आप मार्केट में लेने जाओगे 10 रुपए की एक गड्डी, और थोड़ी दिन में जब और ज़्यादा विंटर सीज़न बढ़ जाएगा यानी ठंड बढ़ जाएगी, तो 10 रुपए में 2-2 गड्डियाँ यानी बंच मिलता है। तो इसको आप आराम से लाओ, यूज़ करो, खाओ भी लगाओ भी। तो इसको क्या करना है, मेथी की पत्तियों को आप लाएंगे घर में, उसकी जो रूट होती है उसको निकाल दीजिए काट के, और अच्छी तरीके से लीव्स को धो लीजिए, और धोने के बाद बस मिक्सी में इसको आप पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाना है, और पेस्ट अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको ऐसे ही अपने बालों में लगा सकते हैं, स्कैल्प पे लगाइए, बालों के लेंथ पे लगाइए, और या फिर अगर आप चाहे और ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी भी ऐड करके इसका एक हेयर पैक बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने से क्या होगा, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस रहती है, ऑयल रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, और जिनके बाल ड्राई रहते हैं
वो इसमें दही का यूज करें। तो ये एक छोटा सा बहुत ही आसान सा एक सॉल्यूशन है हेयर फॉल के लिए। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बात ये आती है, इसको यूज तो हम करेंगे मगर कब तक यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसको आप जब भी शैम्पू करने जाएं, इस पेस्ट को बना लें, अपने बालों में लगा लें, आधे घंटे तक रखें और फिर इसको धो लें और फिर शैम्पू कर लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो। अगर आप 3 बार शैम्पू करते हो तो 3 बार इसको यूज़ कर लो, 2 बार करते हो तो 2 बार यूज़ कर लो। और इससे आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके बालों की क्वालिटी चेंज होने लगेगी, बालों में एक शाइन आ जाएगी अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं। साथ ही साथ बालों की जड़ों में मजबूती आती है, बाल टूटना कम हो जाते हैं। तो दोस्तों थी ना ये एक बहुत आसान सी चीज़ जिसको आप यूज़ करके अपने बालों का झड़ना रोक सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लग रही हो। इससे ज़्यादा आसान कोई भी चीज़ नहीं हो सकती अपने बालों पे यूज़ करने के लिए, तो यूज़ ज़रूर करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, आज ही मार्केट से लाइए और बना के यूज़ कर डालिए। तो इसको यूज़ करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप इसको यूज़ कर चुके हैं तो मुझे बताइएगा इसका क्या फ़ायदा मिला। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, साथ ही कमेंट करके बताइए आज की वीडियो कैसी लगी और बालों से जुड़ी आपको क्या परेशानी हो रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे फॉलो करिए फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ को आप मिस ना कर सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।